हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक पीबीआर मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल बेस रेंडरिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कोई भी रेंडर के लिए, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर रेंडरिंग एंड रियलिस्टिक रेंडरिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीवीआर मटेरियल में आप लोगों को एम्बिएंट ऑक्लूजन मटेरियल मिल जाएगा, मेन बेसिक कलर मटेरियल मिल जाएगा, हाइट्स मटेरियल मिल जाएगा, नॉर्मल मटेरियल एंड रफनेस मटेरियल। ओके, और भी काफ़ी मटेरियल होते हैं अलग अलग तरीके से जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज पीबीआर मटेरियल असाइन किस तरीके से करना है और कैसे करते हैं, राइट वे क्या है और किस तरीके से रियलिस्टिक रेंडर आप लोग कैसे लेके आ सकते हैं, ये चीज़ पर हम लोग आज देखेंगे। ये हमारा नॉर्मल सा सेटअप्स है जिसको मैंने रेंडर करके आप लोगों को बता देता हूँ कि ये नॉर्मल सेटअप मैंने लिया है, इस पर किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और कैसे किस तरीके से करना है। ये मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मटेरियल ले लेता हूँ। मटेरियल में मैं यहाँ पर आता हूँ, आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। मैं एक मटेरियल, नॉर्मल मटेरियल इस पे असाइन कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। मटेरियल असाइन करने के बाद मैं मैप में आता हूँ। मैप में आपको डिफ्यूज़ मिलेगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, डिफ्यूज़ में जेपीजी इमेजेस जो कलर मैप होता है वो हम लोग असाइन कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इसका राइट वे एम्बिएंट ऑक्लूजन दोनों को साथ में असाइन करना होता है। काफ़ी लोग यही चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं। मैप में आ जाता हूँ मैं। अब दो मटेरियल कैसे असाइन करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एम्बिएंट ऑक्लूजन और कलर मैपिंग कैसे इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आप लोगों को कंपोजिट मिलेगा, कंपोजिट पे क्लिक करता हूँ। कंपोजिट में आपको दो तीन चैनल को एक साथ असाइन कर सकते हैं, मगर हम लोग यहाँ पे दो ही चैनल को असाइन करना है, दो ही जेपीजी इमेजेस को असाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, बिट मैप। बिट मैप पे जो भी आपका टेक्सचर होगा, मैं आपके टेक्सचर में आ जाता हूँ। डेस्कटॉप टेक्सचर में मैं फैब्रिक ले लेता हूँ या तो लेदर। लेदर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे काफ़ी लेदर ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेन लेदर का जो कलर मैप है, बेस कलर जो है, उस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, असाइन कर लेता हूँ। असाइन कर लीजिए व्यू पोर्ट। ब्लर हमेशा ज़ीरो रखिए ताकि ये काफ़ी शार्प मटेरियल आपका असाइन हो। इस चीज़ के लिए फिल्टरिंग में नन पे रखिए। ओके, बैक जाता हूँ मैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन बिट मैप, आप लोगों को यहाँ पर एम्बिएंट ऑक्लूजन मिल जाएगा। यू कैन सी एम्बिएंट ऑक्लूजन। ओके, एम्बिएंट ऑक्लूजन एक साथ असाइन कर लेता हूँ। शो इन व्यू पोर्ट, इसको भी ब्लर को शार्प कर देता हूँ, नन करता हूँ। ओके, ये हम लोग दो मटेरियल एक साथ अप्लाई किए। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक आता हूँ। अभी आप लोग देख रहे हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन यहाँ पर शो हो रहा है। नॉर्मल पे आइए, मल्टीप्लाई। ओके, शो इन व्यू पोर्ट, बैक। ओके, यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा डिफ्यूज चैनल हमने असाइन कर लिया है। हम लोग एक रेंडर करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं काफी प्लेन और बेसिक मटेरियल असाइन हुआ है। इसके बाद हम लोग बम्प में आते हैं।
बम्प में नॉर्मल मैप ऐड करना है तो डायरेक्टली बिट मैप में से आप लोग नहीं इस चीज़ को अपलोड कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू वीरे मटेरियल, वीरे बम्प टू नॉर्मल पे क्लिक कीजिए, मैप ऑप्शन मिलेगा, मैप में आइए, देन गो टू बिट मैप। राइट वे इस तरीके से करना है। नॉर्मल मैप में आता हूँ, इसका नॉर्मल मैप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, असाइन मटेरियल शो इन व्यू पोर्ट, ब्लर को ऑफ कर लेता हूँ, नन, बैक। आप लोग इस जगह पे देखेंगे तो आप लोगों को चेंजेस मिलेगा वन बाय वन। रिफ्लेक्शन में आता हूँ मैं, रिफ्लेक्शन लिटिल बिट रिफ्लेक्शन दे देता हूँ 13, 15, ओके 18, डिपेंड आप लोग चेंज कर सकते हैं। 0.75 इसका रिफ्लेक्शन ब्लर ले लेता हूँ। देन गो टू रफनेस, बिट मैप इस चीज़ को डायरेक्ट अटैच करना है। रफनेस में आ जाता हूँ, रफनेस के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे रफनेस मिल रहा है, ये आपका लाइट मटेरियल है। रफनेस पे आ जाता हूँ, ओपन करता हूँ, मटेरियल असाइन कर लिया, शो इन व्यू पोर्ट, ब्लर को ज़ीरो कर देता हूँ, बैक, शो इन व्यू पोर्ट, ओके। देन गो टू डिस्प्लेसमेंट, सेलेक्ट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट में, बिट मैप, यहाँ पर लाइट मटेरियल को मैं असाइन कर लेता हूँ, हाइट मटेरियल को, ओके, शो इन व्यू पोर्ट, ज़ीरो कर लेता हूँ, नन, बैक में आता हूँ, शो इन व्यू पोर्ट, डिस्प्लेसमेंट को 100 पे मैं 30 रखता हूँ और 10 करता हूँ या तो ज़ीरो कर लेता हूँ। लेट सी द आउटपुट, आप लोग आउटपुट देख सकते हैं, काफ़ी प्लेन आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में 30 ऐड करता हूँ, रेंडर इट अगेन, लेट्स सी द चेंजेस। इस तरीके से पीवीआर मटेरियल असाइन करते हैं। ओके, मच बेटर, यू कैन सी द डिफरेंस। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट मोड को ऑन किया है, ऑफ कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे 60 करता हूँ, नाउ सी द चेंजेस। प्रॉब्लम कब होती है, जब आप लोग यही चीज़ प्लेन सरफेस पे ऐड करते हो या वॉल पे या और कोई फर्नीचर पे, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा इसकी ओवर साइज हो जाता है। इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर मैं 60 ऐड किया हूँ, रीजन रेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ओके। इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से असाइन करने के लिए, ये तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर मटेरियल असाइन हुआ है, मगर जब आप लोग कोई मॉडल पे असाइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। सबसे बेटर होता है वीरे में आइए, वीरे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को ऑफ कर लेता हूँ, मटेरियल को यहाँ से यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ इंस्टेंस पे। PVR मटेरियल असाइन करें तब हमेशा ध्यान रखें वीरे डिस्प्लेसमेंट मोड को हमेशा ऑन करके उसके ऊपर आप लोग डिस्प्लेसमेंट को असाइन कीजिए। मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की साइज को चेंज कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ, देन रेंडर इट, सी द डिफरेंस।
मटेरियल को चेंज करना है, आप लोग सेलेक्ट करके मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं UVW मैट। बॉक्स कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी चेंजेस देखिए, आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आएगा चेंजेस क्या हो रहे हैं। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। स्टॉप करता हूँ, रीजन रेंडर को ऑफ करता हूँ। लेट्स सी, ये मटेरियल प्रॉपर तरीके से असाइन तो हुआ है, मगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गैप आ रहा है। ये चीज़ मैं किस लिए बता रहा हूँ, हमेशा जब भी आप कोई भी मॉडल पे मटेरियल असाइन करेंगे, वीरे डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर ऑप्शन है कीप कनेक्टिविटी को ऑफ करके मैं रेंडर करता हूँ। आप लोग चेंजेस देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं मटेरियल यहाँ से कट हो गया है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग मटेरियल असाइन करेंगे कोई भी मॉडल पर या फ्लोरिंग पर, वॉल पर, तो हमेशा कीप इट माइंड, इस ऑप्शन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, कीप कनेक्टिविटी। ओके, मैं यहाँ पर UVW मैप में आता हूँ, टाइलिंग को 1, 1 एंड 1 करके देख लेते हैं, कोई चेंजेस मिलेगा तो कोई चेंजेस नहीं है इसमें। सिंपली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये चीज़ मेरे को बताना था कीप कनेक्टिविटी क्या चीज़ होती है और क्यों ज़रूरी है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कीप कनेक्टिविटी पे। मैं रेंडर कर लेता हूँ, सी द चेंजेस। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग इसके अंदर डेप्थ कितना देना चाहते हैं, अमाउंट। स्टॉप कर लेता हूँ मैं, अमाउंट यहाँ पर मैं 30 दे देता हूँ या 10 देता हूँ या 6 देता हूँ, 6 काफ़ी इनफ है। सी द चेंजेस, ये आपका PVR मटेरियल है। इस तरीके से PVR मटेरियल पे काम किया जाता है। मैं और दूसरा मटेरियल आप लोगों को ऐड करके बताता हूँ। हम दूसरा मटेरियल असाइन कर लेते हैं। इस चीज़ पे से, मॉडल पे से वीरे डिस्प्लेसमेंट को मैं ऑफ कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, प्लेन मटेरियल हमारा आ रहा है, शो हो रहा है, लाइट काफ़ी ब्राइटर है। इस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, जिसमें आप लोगों को मटेरियल किस तरीके से अप्लाई और किस तरीके से काम करते हैं उस चीज़ के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। कोई और मटेरियल हम लोग असाइन करते हैं, सेम है, इसी तरीके से काम करना है। विट मैप में आइए, मैप में आ जाता हूँ, मैप में कंपोजिट मिल जाएगा आप लोगों को। एक और ऐड कर लीजिए, फर्स्ट मटेरियल विट मैप। मैं और कोई मटेरियल असाइन करना चाहता हूँ तो और भी कोई मटेरियल हम लोग ले सकते हैं। जिस तरीके से कंक्रीट में आ जाता हूँ, फर्स्ट ये मटेरियल असाइन करता हूँ, बेस कलर ओपन। ओके, ब्लर को ऑन कर लीजिए, इसको मैं ऑफ करता हूँ। सी द चेंजेस, अगर आप लोगों को व्यू पोर्ट में नज़र आए तो। ब्लर को मैं ज़ीरो कर लेता हूँ, काफ़ी चेंजेस हो गया। नॉर्मल को नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, देन शो इन व्यू पोर्ट बैक। सेकंड मटेरियल बिट मैप, एम्बिएंट ऑक्लूजन सेलेक्ट। ओके, ब्लर ज़ीरो कर लेता हूँ, नन, देन शो इन व्यू पोर्ट बैक। सिंपली मल्टीप्लायर पे क्लिक किया, शो इन व्यू पोर्ट बैक। ओके, आप लोग चेंजेस देख सकते हैं। मैं मैप में आता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। सी द चेंजेस, ओके, सी द चेंजेस। ओके,
एम्बिएंट ऑक्लूजन मैंने ऐड किया तो किस तरीके से चेंजेस हो गया, डेप्थ आ गई इस चीज़ में। सिंपली फिर मैं ऐड कर लेता हूँ एम्बिएंट ऑक्लूजन, ऐड सी द चेंजेस, बैक कर लेता हूँ, ब्लर कर लो, आप लोगों को ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। शो इन व्यू पोर्ट, मल्टीप्लायर को ऑन कर लिया हूँ, बैक। सिंपली नेक्स्ट मटेरियल में मैं आता हूँ, नेक्स्ट मटेरियल में बम्प में आता हूँ, सेम आप डायरेक्टली वीरे बम्प टू नॉर्मल पे क्लिक कीजिए, नॉर्मल मैप यहाँ से असाइन करना है, देन गो टू बिट मैप। अब इसके अंदर आता हूँ, नॉर्मल मैप असाइन कर लेता हूँ, ओके। शो इन व्यू पोर्ट, ब्लर, डन, ओके, बैक। शो इन व्यू पोर्ट, रफनेस पे आ जाता हूँ, बिट मैप, यू कैन सी द चेंजेस हियर वन बाय वन, ओके। रफनेस पे क्लिक करता हूँ, हाइट्स है, ये रफनेस है, रफनेस पे क्लिक करता हूँ, ओके। शो इन व्यू पोर्ट, सी द चेंजेस, शो इन व्यू पोर्ट, बैक, शो इन व्यू पोर्ट, ओके। देन गो टू डिस्प्लेसमेंट मोड, बिट मैप, हाइट्स हमारा यहाँ पर हाइट्स है, हाइट्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। शो इन व्यू पोर्ट, ब्लर ऑफ कर लेता हूँ, नन, बैक। अब इस चीज़ को हम लोग रेंडर करके देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मैं 5 पे रखता हूँ, रेंडर कर लेंगे हम लोग, सी द चेंजेस। फाइव है, 5 को मैं 20 कर लेता हूँ, ट्वेंटी, देन रेंडर इट, सी द चेंजेस। ओरिजिनल मटेरियल असाइन करना है, इस तरीके ही से काम करना है। पर्टिकुलर अगर मैं इसकी जगह बॉक्स ले लेता हूँ, हाइड कर लेता हूँ इसको या डिलीट कर लेता हूँ मैं, एक नॉर्मल मैं स्पीयर या सिलेंडर या बॉक्स जो भी ऐड करना है, मटेरियल असाइन कर लेता हूँ मैं, ओके। शो इन व्यू पोर्ट, लेट्स सी द चेंजेस। बम्प यहाँ पे मैंने 20 दिया है, डिस्प्लेसमेंट में 20 दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके कॉर्नर कट्स हो गए हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम होती है जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर मॉडल पे आप लोग पीवीआर मटेरियल असाइन करते हैं। तो इसका बेसिक बेसिक फॉर्मूला यही चीज़ है, मॉडल को सेलेक्ट कीजिए, गो टू UVW मैप, वट एवर UVW मैप यू वॉन्ट टू मेक हियर, यू कैन चेंज इट अप टू यू। नाउ आई सेलेक्ट दी वीरे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मैं ऑफ कर लेता हूँ। 3D मैपिंग को हमेशा ऑन रखिए, नन पे, वीरे मैप पे क्लिक करता हूँ, इंस्टेंस पे, ओके, अमाउंट 6 है, इट्स ओके, कीप कनेक्टिविटी पे ऑन रखता हूँ और रेंडर करता हूँ, सी द चेंजेस। टोटली डिफरेंट,
वन मोर टाइम सी, कहीं से भी आपको कट नहीं मिलेगा। इस तरीके से बीपीआर मटेरियल को असाइन किया जाता है। सीधा हम लोग एक मटेरियल से कितना रियलिस्टिक पर्टिकुलर टेक्सचर असाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से और भी मटेरियल मैं आप लोगों को असाइन करके बताता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, एक और मटेरियल मैं असाइन करता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ। ओके, असाइन मटेरियल, शो इन व्यू पोर्ट। अभी आप लोग देख सकते हैं मटेरियल असाइन हो गया है, मगर डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को शो हो रहा है। तो जस्ट आप लोगों को ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ऑफ कर लिया, शो इन व्यू पोर्ट, सी द चेंजेस। ओके, नाउ गो टू आवर मटेरियल। वी हैव टू डू सम अनदर मटेरियल नाउ। वीरे मैप में आ जाता हूँ मैं। डिफ्यूज में हम लोग सिंपली जिस तरीके से मैं आप लोगों को लास्ट में बताया हूँ, उसी तरीके से डिफ्यूज में भी चेंजेस करना है। डिफ्यूज में सिंपल आप लोग कंपोजिट लीजिए। एक मटेरियल और ऐड कर लेता हूँ, नन पे आ गया, बिट मैप। बिट मैप पे मेरे को और कोई मटेरियल असाइन करना है। लेट्स सी द मटेरियल, कंक्रीट हो गया, फ्लोरिंग समथिंग कुछ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐड करते हैं। ये मटेरियल मैं असाइन करता हूँ। ओके, असाइन मटेरियल, शो इन व्यू पोर्ट। ब्लर को जीरो कर लेता हूँ, नन, बैक ऑप्शन। ओके, सिंपली इधर बिट मैप एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऐड करना है यहाँ पर। एम्बिएंट ऑक्लूजन, ओके, शो इन व्यू पोर्ट। बैक मल्टीप्लाई, ओके, शो इन व्यू पोर्ट, बैक। सेम प्रोसीजर है हर मटेरियल, जितने भी मटेरियल आप लोग अप्लाई करेंगे सिंपल वही है। बम्प में आ जाता हूँ, मेरे बम्प टू नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, देन गो टू नॉर्मल मटेरियल, बिट मैप। नॉर्मल, ओके, शो इन व्यू पोर्ट, जीरो, नन, बैक, बैक, शो इन व्यू पोर्ट, देन गो टू डिस्प्लेसमेंट, बिट मैप, हाइट्स, हाइट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, शो इन व्यू पोर्ट, जीरो, नन, बैक पे आ जाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट 100 है, इट्स ओके, हम लोग चेंजेस करना है यहाँ पे। हम लोग ऑफ कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को जस्ट असाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। इंस्टेंस, ओके, कीप कनेक्टिविटी ऑन है, ओके। रफनेस सेलेक्ट करता हूँ, बिट मैप, रफनेस पे क्लिक किया, ओके, शो इन व्यू पोर्ट, जीरो, नन, बैक, शो इन व्यू पोर्ट, ओके, लेट्स रेंडर इट। यहाँ पर मैंने 6 रखा है। अमाउंट आप लोगों को जो भी लगे आप लोग चेंज कर सकते हैं। इस चीज पे यहाँ पर वीरे डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऑफ करके रखा था, अब ऑन कर लिया हूँ। नाउ सी द चेंजेस,
See the changes. Very good. नॉर्मल बॉक्स को मैंने किस तरीके से चेंज कर दिया, इसको डिलीट करना है, मैं कोई और मॉडल ले लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, कोई और मॉडल ले लेते हैं स्पीयर, या हम लोग प्लेन पे असाइन करके देखते हैं। नॉर्मल प्लेन पे मैं असाइन कर लेता हूँ। ओके, असाइन कर लिया। यहाँ पे बम्प ऑफ है डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, वी रे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लेता हूँ मैं। ओके, सेम डिस्प्लेसमेंट को इधर असाइन कर लेता हूँ। 3D मैपिंग पे हमेशा ऑन रखिए इंस्टेंस। ओके, सिक्स अमाउंट है, कीप कनेक्टिविटी है, ऑफ रखा हूँ मैं, ऑन रखा हूँ। ओके, जस्ट रेंडर इट, सी द चेंजेस। See the changes. This is called PVR material. अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।